हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट 21 ये है, ए बी एक्स स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, इससे पहले कि मैंने वीडियोज सारे बना चुके हैं, अगर आपको मेरे इससे पहले की वीडियोज देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 हम करते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम पहले ब्रेक करते हैं। ब्रेक मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को ब्रेक करेंगे क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स आएगा, प्लस ए को ए स्क्वायर को ब्रेक करेंगे ए इंटू ए आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर बी स्क्वायर को ब्रेक करेंगे बी इंटू बी इंटू एक्स, और जिसमें पावर नहीं तो उसको आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, तो आप कर भी सकते हैं ए इंटू बी। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम जब साइन दो से ज्यादा हो तो हम पेयर में कॉमन लेते हैं, मतलब इन दोनों को कॉमन लेंगे और इन दोनों वैल्यू में कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू में कॉमन क्या है, देखिए ए इसमें है, इसमें भी है, बी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं लेंगे, एक्स इसमें है, इसमें भी है। ठीक है, अब ऐसे कोई वैल्यू नहीं जिसको कॉमन ले, ए इसमें एक बार, इसमें दो बार, लेकिन कॉमन क्या लेंगे, एक बार। हो गया, इसमें बचा क्या, बी बचा और एक एक्स बचा, इसमें क्या बचा, एक ए बचा बस। ठीक है, अब इधर भी देखिए कॉमन क्या लेंगे, बी एक है बस, और कोई कॉमन ले नहीं सकते, बस बी लेंगे, बचा क्या अंतर, बी एक्स प्लस यहाँ पे ए बचा, बी एक्स प्लस ए, बी एक्स प्लस ए दोनों तरफ, तो हम कॉमन ले लेंगे बी एक्स प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी प्लस बी, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस वन। अब देखिए स्टूडेंट, चार से ज्यादा अगर साइन हो, चार से ज्यादा साइन दिया हो तो उसमें भी आप क्या करेंगे, दो दो का पेयर, जैसे इसमें पेयर करते हैं चार में, वैसे छह में भी हम पेयर करेंगे, दो पेयर दो पेयर दो पेयर। ठीक है, लेकिन आप वैल्यू इधर उधर कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा है जिसमें कॉमन नहीं लिया जा सकता है तो देखिए स्टूडेंट आप कर भी सकते हैं, जैसे इसमें ए है, इसमें भी ए है, तो इस ए को इधर कर सकते हैं आप और एक्स को इधर कर सकते हैं, ए को एक तरफ ले लीजिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और माइनस ए एक साथ ले लीजिए प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी रख के करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, या फिर आप ए को एक तरफ कर लीजिए और जो बचा है वो उसको एक तरफ कर लीजिए। अब इसको हम ब्रेक करेंगे क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स, तीन एक्स है, माइनस एक्स इंटू एक्स आएगा, इंटू इंटू एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस वन। अब पेयर में कॉमन लेते हैं तो इसमें कॉमन क्या क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि इसमें तीन एक्स है, इसमें दो है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एक एक्स बच गया, यहाँ पे वन बच गया। ठीक है, यहाँ पे ए कॉमन लेंगे, एक्स माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो वन। ठीक है, अब एक्स माइनस वन ये तो वैसे सेम, अगर इन सब के बराबर का दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे पुट कर देंगे, बार क्या प्लस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन तीनों तरफ है, तो एक्स माइनस वन ये हमारा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो वन होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको भी चेंज करना होगा। ठीक है, इस वैल्यू को आप इधर करेंगे, इस वैल्यू को इधर करेंगे, क्योंकि आप करके देख लीजिए स्टूडेंट कि इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा, x प्लस वाई आएगा, लेकिन इस नंबर के इक्वल, तो ऐसा नंबर हम लेते हैं स्टूडेंट कि दोनों तरफ इक्वल इक्वल नंबर है ताकि हम कॉमन ले लें, इसमें 2 और कॉमन ले ली तो बचाया गया एक्स प्लस टू आई बचेगा, यहाँ देख लीजिए एक्स प्लस टू आई है नहीं, तो आप क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 2x माइनस 8xy इसको इधर कर लीजिए प्लस 4y माइनस 1। ठीक है, अब हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 और x कॉमन लेंगे। ठीक है, 2 और x कॉमन लेंगे, यहाँ बचा क्या कुछ नहीं, तो 1 माइनस 2 फोर ज 8 और x बाहर है तो छोड़ देंगे और y हो गया। अब प्लस, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें
फोर वाई माइनस वन है, लेकिन हमको चाहिए कि फोर वाई की तरफ माइनस चाहिए और यहाँ पे प्लस चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि माइनस हम कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता, माइनस अगर हम कॉमन स्टूडेंट अगर माइनस हम कॉमन लेंगे तो जो ब्रैकेट में है वो प्लस है, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो जो माइनस है वो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस वो प्लस हो जाता है। तो टू एक्स वन माइनस फोर वाई माइनस, इसको इधर इधर लिखिए वन माइनस फोर वाई, वन माइनस फोर वन माइनस फोर एक इक्वल आ गया तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो बचा क्या दूसरे ब्रैकेट में, टू एक्स माइनस वन, ये हमारा आंसर हो गया। 24 देख लीजिए, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें देखिए स्टूडेंट ऐसा कोई भी नहीं जिस कॉमन ले, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि इसमें पहले हम इंटू करेंगे, ए ब्रैकेट में इंटू करेंगे, तो ए बी को इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर से, फिर ए बी का इंटू करेंगे वाई स्क्वायर से, ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस, इसमें सेम करेंगे एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस होता है ना, तो एक्स वाई बी स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे वैल्यू करेंगे कि देखेंगे कौन कौन सा नंबर सेम है, उसको एक तरफ करेंगे, तो इसमें बी है इसमें वाई है, इसमें बी है इसमें वाई है, तो इसको हम इधर करेंगे, इसमें एक्स और ए है इसमें एक्स और ए है, तो इन दोनों को एक तरफ करेंगे और इन दोनों को एक तरफ करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब कॉमन ले लीजिए, आप ब्रेक करके कॉमन लीजिएगा, अगर हम ऐसे ले लेते हैं स्टूडेंट, इसमें एक ए है इसमें दो ए है, तो ए के कॉमन लेंगे, इसमें बी है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें एक्स है इसमें है, दोनों में है, तो एक एक्स कॉमन लेंगे, ये बचा के अंदर बी बचा और एक एक्स बचा, माइनस इसमें क्या बचा वाई बचा और एक ए बचा बचा। अब इसमें देख लीजिए इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, बी और वाई बचा क्या, ए बचा बी ले लिए, वाई एक ले चुके एक बचा है, माइनस एक्स बचा है वाई एक ले चुके हैं, बी एक ले चुके एक बचा है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमको दोनों एक दूसरे के दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन क्या है साइन का डिफरेंस है, इसमें साइन प्लस माइनस में, इसमें साइन प्लस में है, तो हम क्या करेंगे पहले ये देख लीजिए, बी एक्स माइनस ए वाई माइनस और बी वाई ए वाई माइनस बी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई, अब हम क्या करते हैं कि हम माइनस कॉमन लेंगे ताकि जो माइनस में वो प्लस में जाए, जो प्लस में माइनस में हो जाए, ठीक है। तो हम माइनस कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, माइनस कॉमन लिए स्टूडेंट तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी वाई और ये माइनस ए वाई और ये प्लस बी एक्स हो गया, ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई, इधर भी बी एक्स माइनस ए वाई, इधर भी बी एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई दोनों तरफ है तो हम कॉमन ले लिए, बचा के इधर ए एक्स प्लस बी वाई, ये हमारा। तो देखिए स्टूडेंट ये यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस है ये, तो यहाँ पे ये क्या रहेगा माइनस हो जाएगा, क्या होता है माइनस कॉमन लिए तो माइनस इंटू प्लस माइनस रहेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस रहेगा और ये अंदर वाला सही है, अंदर वाला जो माइनस होता है वो प्लस होता है, जो प्लस होता है माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करते हैं 25 वाला क्वेश्चन, नंबर 25 क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी बी प्लस वन प्लस बी क्यूब, ठीक है। देखिए पहले हम इंटू कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी का ए बी स्क्वायर होगा प्लस ए बी इंटू वन करेंगे तो ए बी हो जाएगा प्लस बी क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट बी स्क्वायर है बी क्यूब है, तो हम बी स्क्वायर ज़्यादा है ये और ये कम है, तो जो ज़्यादा वाला बी की बी क्यूब है, बी जिसमें ज़्यादा होगा वो बी की तरफ करेंगे, तो ए स्क्वायर और ये वाला एक तरफ करेंगे, ए बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब इसमें ए कॉमन लेंगे, ए प्लस बी बचा है यहाँ पे क्या बी कॉमन लेंगे, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर ए प्लस, इसमें एक बी रहेगा तो बी ए प्लस बी
दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे और ए प्लस बी स्क्वायर ये हमारा आंसर हो गया। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21-25 हमने कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।